नमस्कार, आप सुनते हैं दिस इज योर पंकज एंड वेलकम बैक टू अपन का यूट्यूब चैनल PSR ब्लॉग। सो गाइज, आज है सोमवार और एक और नए दिन की शुरुआत, नए ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जिम और जिम में आज हम लोग हिट करने वाले हैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। तो पहुँचते जिम और आप लोगों को दिखाते हैं। सो गाइस, एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो चुकी है और आज का वर्कआउट भी बहुत मज़ा आया जिम में। एकदम देख लो, पंप आ रहा है पूरी बॉडी में। बाकी अभी चल रहे हैं घर, थोड़ा लेते हैं अपनी डाइट वाइट और उसके बाद चलते हैं शॉप पे और दिखाते हैं आपको जो भी आज का शेड्यूल होगा। यार देखो, जो अभी आई थिंक 12 फरवरी को आई थी जो आपदा आई थी, उससे देखो पूरा पानी अभी तक, आपदा आए एक महीना हो चुका है बट अभी तक जो गंगा का पानी अभी तक साफ़ नहीं हुआ है। तो गाइस देखो यार, ये वो कोई कुत्ता यार, इसकी हालत कैसी हो गई है, आई डोंट नो कि अब क्या होएगा, बट ट्राई करता हूँ। अगर कोई डॉक्टर जो भी होते हैं जो इन पेट को अपने पास रखते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है तो शायद मैं करूँगा। तो गाइस यार, दिल थोड़ा खट्टा सा हो गया है उस कुत्ते को देखने के बाद, बिकॉज अभी पिछली बार हम लोगों ने आपको दिखाया था उस टाइम पर उसकी हालत इतनी ख़राब नहीं थी, बट अभी उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। अभी देखता हूँ अगर मुझे कोई एनिमल रेस्क्यू वाले मिलते हैं जो इनको अपने पास सकते हैं तो शायद मैं उन्हें कॉन्टेक्ट करूँगा, अदरवाइज अब मेरे हैंड से जितना हो पाएगा उतना करूँगा। बस यार आज थोड़ा सा मूड सा खराब हो गया बस। तो गाइज, जैसे मैं आप लोगों को सुबह बताया था कि मुझे जो कुत्ता मैं सुबह मिला था उसके लिए कोई ऐसी फर्म की हमें ज़रूरत है जो उसे अडॉप्ट कर सके, जो उसका उसकी दवाइयाँ उसे दे सके टाइम पे। तो अभी मैं बस वही सर्च कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ मिला है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो गाइज, बहुत रिसर्च के बाद मुझे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मिली है जो इन डॉग्स का जो भी सारे एनिमल्स होते हैं इनका रेस्क्यू करती है, इन्हें अपने पास सकती है। तो फर्म का नाम है पीपल फार्म करके, ये फर्म है। काफ़ी अच्छी से काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने इन लोगों को अभी मेल का, इन लोगों का मेल एड्रेस निकाला है और अभी मैं मेल करता हूँ। जो भी प्रोसेस होगा आई होप कि ये लोग रिस्पॉन्स करेंगे, जैसा भी होगा आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम वो मैं शेयर करता रहूँगा। बाकी अभी टाइम है मेल करने का। तो गाइज, मेल मैंने लिख ली है, रॉबिन सर वहाँ के फाउंडर को फाउंडर हैं आई थिंक, तो मैंने उनको मेल लिख दी है और ये हमारी मेल है और ये हमारा हो गया है। जो हमने मॉर्निंग का हमारा वीडियो था ये हमने अटैच कर लिया है, ये आपको दिख रहा होगा। तो देखिए यार, अभी हमने अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना तो कर लिया है, बाकी इनका रिप्लाई का वेट करते हैं। जो भी इन्होंने सेशन अगर देंगे, हमें अच्छे सेशन देते हैं तो हम यहीं पर सब कुछ कर लेंगे, अदरवाइज देखते हैं उनका क्या रिप्लाई आता है। तो यार देखो, होता क्या है ना,
अभी आप लोग बहुत सारे आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यार इसको आप श्रीनगर ही क्यों नहीं दिखा लेते हो, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर हैं वहाँ पे क्यों नहीं दिखा लेते हो। तो मैं दिखाऊंगा, उसे ज़रूर दिखाऊंगा, अगर मैं बस वेट कर रहा हूँ इनके मैसेज मेल का, जो भी इनकी मेल आएगी उसके बाद। बिकॉज यार ठीक होता है अगर कोई रेस्क्यू टीम है वो अपने पास इस डॉग को लेके जाएगी, मैं आज इसकी केयर करूँगा, कल ये फिर वैसी वहीं पर जाती किसी और जगह पर वही उसका हाल हो जाएगा दोबारा। तो मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम में मैं इसको ऐसी जगह भेज दूँ जहाँ पर इसका अच्छी तरीके से ख्याल रखा जाए, तो इसलिए मैंने मेल किया है। बस बाकी इनका रिवर्ट का देखते हैं कब तक इनका रिवर्ट आता है। अपने फील्ड में बहुत सारे क्रिकेट देखे होंगे पर ये आज चल रहा है रोड पे क्रिकेट, और अभी हम जा रहे हैं और ये देखो गाइस ये बीच में आ गया एड, ये वाइट कलर का एड है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो गाइस जो हमारा सोमवार का जो रूटीन है वो अभी निकालने जा रहे हैं अपन लोग, धूप ने ले लिया है तो अभी चलते हैं मंदिर। आप लोगों के साथ एक बात जरूर शेयर करनी थी, थोड़ा अभी नॉइज होगा बिकॉज मैं माइक लेके नहीं आया हूँ तो फोन से सब कुछ शूट हो रहा है। तो आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी थी, जो आप लोगों ने देखा होगा जो हनुमान जी का कलर है वो क्यों ऐसा कलर के, मतलब ऐसा उनका कलर क्यों होता है। तो गाइस ये बात है जो आप सभी को पता है कि जो हनुमान जी थे वो राम जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो जो सीता मैया थी वो हमेशा अपने सिंदूर इस कलर का हमेशा ला के रखती थी। उन्होंने कहा था कि ये राम भगवान को बहुत प्यारा लगता है, उन्हें ये कलर बहुत अच्छा लगता है। तो हनुमान जी ने कहा कि अगर उन्हें ये कलर बहुत अच्छा लगता है और इससे वो खुश होते हैं तो मैं पूरे अपने आप को इस रंग से रंग दूंगा क्योंकि मैं ही उनका सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो बस यार ये थी इनकी थोड़ी सी स्टोरी जो मुझे पता थी। तो गाइज आज के ब्लॉग का करते हैं एंड, और ये हमारे मित्र सुधीर भाई हमारे, ये बहुत दूर से हमसे मिलना है, हमारे सब्सक्राइबर भी हैं। तो करते हैं इस ब्लॉग का एंड यहीं पर और आपको मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में।